यस, अब अपन 9.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 9.4 एक्सरसाइज के हमारे इंटीग्रेशन के स्पेशल 6-7 फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। 6 एक और लिखूंगा, अभी 7 हो जाएंगे। सबसे पहले डी एक्स बाई में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स। ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक जैसे ही फॉर्मूले होते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में यहाँ पर लग जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ऊपर एक्स माइनस ए नीचे एक्स प्लस ए। इन सभी फॉर्मूला की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि न्यूमिनेटर पार्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, न्यूमिनेटर पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब या तो वन हो या कुछ हो तो वो आप बाहर निकाल सकते हैं। और सेकंड थिंग इनकी ये है कि इसमें ना कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी वन होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर एक्स स्क्वायर में तैयार पड़ी है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वन होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर टी स्क्वायर में तैयार कर ली है तो टी स्क्वायर का कोफिशेंट वन होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे। ठीक है ना, तो 1/ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। 1/ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। और ये तो हमारा पहले जैसे ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर ए की जगह पहले 1 हुआ करता था तो हमारा आंसर भी टेन इनवर्स एक्स बाई 1 मतलब टेन इनवर्स एक्स ही होता था। ये ए कौन है, ए एक तरह से कॉन्स्टेंट है। मान लो इस 1 की जगह आपके पास 4 आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए तो आप उसको पहले स्क्वायर ढूंढोगे किसका है, फिर आप इस फॉर्मूले में ए की जगह तो वो डाल दोगे और एक्स की जगह तो एक्स ही डालोगे। तो तीन फॉर्मूले आपके बिना अंडर रूट वाले हैं और तीन फॉर्मूले आपके अंडर रूट वाले हैं, और एक जो कि सबसे अलग है वो ये फॉर्मूला है 1/x(x²-a²। ठीक है, उसका फॉर्मूला है 1/a secant inverse x/a। ये भी हमारा इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला सीकेंड इनवर्स वाला होता है। x(x²-1) का फॉर्मूला सीकेंड इनवर्स एक्स ही होता था। तो फॉर्मूले वही सारे। तो इन फॉर्मूलाज की सबसे बड़ी कंडीशन आपने पूरी फॉलो करनी है कि न्यूमिनेटर पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 1 होना चाहिए। अगर ये है तो आप ये काम करोगे, अगर नहीं है तो आप ये काम नहीं करोगे। अब एक्सरसाइज का सम देखो, 9.4 एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये लगातार 3 एक्सरसाइजेज तक चल जाएगी हमारी। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, फिर आगे जाके कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऐसे फॉर्मूला तो अप्लाई यही होंगे। लगातार 3 एक्सरसाइज पर 9.4, 5 और 6 में, 4 मैं करवा रहा हूँ, 5 और 6 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, करवाऊंगा तो सारी। सबसे पहले सब में 9x²-1, तो फॉर्मूले की सबसे बड़ी कंडीशन ऊपर 1 होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, वो बना ही पड़ा है। 1/9x²-1, तो आप इसको 9x² को ये मत कह देना सर ये 3x का होल स्क्वायर है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अपन 9 कॉमन लेंगे, 9 अगर कॉमन लेंगे 9 तो बाहर निकल जाएगा 1/9, क्योंकि 9 नीचे से कॉमन लिया नीचे लिखा जाएगा। तो सम बन गया x²-1/9। अब 1/9 किसका स्क्वायर होता है, 1/9 तो 1/3 का स्क्वायर होता है। लो जी, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। कौन से वाला यूज, कौन से वाला फॉर्मूला, x²(1/x²-a² वाला फॉर्मूला। तो आपके पास वो फॉर्मूले जो लिखे पड़े हैं उसको ध्यान रखना है। उसका फॉर्मूला था सबसे पहला 1/2a, सेकेंड फॉर्मूला यूज हो रहा है लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो हमने ये फॉर्मूला इसका यूज़ कर लिया 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो साइड में लिख के भी मेंशन करके दो भी हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया। दिस वन कैंसिल 3, इसका एलसीएम ले लो, नीचे से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा 1/6 लॉग आफ्टर एलसीएम 3x-1/3x+1 प्लस सी। बस क्लियर है, ये काम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स सारे हो रहे हैं। एक पार्ट और देख लो, जैसे dx/1+x² के नीचे 4 आ गया, तो पहले आप x² का कोफिशिएंट 1 देखो, वो तो आपको दिख रहा है, पर नीचे भी तो 4 दिख रहा है, तो एलसीएम लोगे तो 4 यहाँ से एलसीएम के बाद गायब हो जाएगा अपने आप, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 4 एलसीएम, दिस इज 4+x², ये नीचे वाला 4 ऊपर जा चुका है, और बचा कौन नीचे 4 का स्क्वायर, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है और x², 4 को हमने बाहर निकाल दिया। फॉर्मूला तैयार है कौन सा, a²+x² वाला, 2 का स्क्वायर प्लस x² a²+x² वाला फॉर्मूला क्या होता है, a²+x² वाला फॉर्मूला होता है 1/a, ए यहाँ पे 2 है, टेन इनवर्स x/a x/2 प्लस सी। रिजल्ट दिस वन 2, आंसर आ गया 2 tan inverse x/2 प्लस सी। ओके,
ये फॉर्मूला की कंडीशन पूरी भी हो रही है, काम भी ओके हो रहा है। नेक्स्ट देखो, सेकंड सम में, सेकंड सम अंडर रूट वाले आ गए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में सारे बिना अंडर रूट वाले सम थे, सेकंड में अंडर रूट भी आ गया, यानी काम तो वही है, 4x² - 9। इसके साथ पहले अंडर रूट हटाओ, अंडर रूट हटाने के लिए सॉरी x² का कोफिशियंट ऑफ 1 बनाओ, वो हटाने के लिए बनाने के लिए सबसे पहले 4 को बाहर निकालेंगे, 4 तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 ही देगा। अब 4 तो कॉमन आ चुका है, 4 चला गया बाहर निकल के 2 बन गया, ये बन गया x² - 9/4। अब 9/4 किसका स्केयर होता है, 9/4 तो हमको पता ही है x² - 3/2 का स्केयर होता है। फॉर्मूला तैयार है, कौन से वाला, 1/x² - a² वाला। फॉर्मूला लगाओ और आंसर बना दो, आंसर बनेगा इसका log x प्लस सेम यही, यानी आपको फॉर्मूला पहले याद होने चाहिए, अंडर रूट भी है, ठीक है। आगे बात समझ, सेकंड के सभी पार्ट हो जाने हैं, सेकंड का एक फोर्थ और देख लो। स्टेटमेंट है dx x 3x² - 12। सबसे पहले यहाँ से 3 हटाओ, 3 हटाओगे तो 3 तो बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकलेगा तो 3 कोई 9 थोड़ी था जो बाहर निकल के 3 देगा, 3 तो 3 है, अंडर रूट में निकल जाएगा। यहाँ रह गया x, ये तो बाहर x है ही, 3 तो अंडर रूट 3 बन के सबसे बाहर निकाल दिया। यहाँ है 3 कॉमन गया तो x² - 4, और ये वो आपके 7 फॉर्मूला में सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला जो आपको मैंने लिख के बताया था, ये वही फॉर्मूला है, x² - 4 को लिखा 2 का स्केयर। फॉर्मूला तैयार है, x² - a² वाला अप्लाई कर दो, ठीक है। तो कुछ सम ऐसे भी हैं जब ऊपर x आना स्टार्ट हो गया, या x आना स्टार्ट हो गया, या नीचे x² गायब हो गया, तो फिर आप पहले x² टाइप बनाओ उस सम को, 2x⁴ है, क्या करें, 3 तो बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था, ऊपर दोनों कंडीशनें खराब होगी जो आपको फॉर्मूले की कंडीशन चाहिए, नीचे x² चाहिए, तो पहले x⁴ को लिखा हमने x² का स्केयर। अब साफ साफ पता चल रहा है, अगर आप x² को t पुट कर लोगे तो डेरिवेटिव अपने आप ऊपर, यानी कि अकेला 1 यानी dt आ जाएगा अकेला, तो x² को t पुट किया, यानी ये पुटिंग वाली एक्सरसाइज आपकी हर चीज़ में काम आती है, x² को t पुट किया, dx dt, तो ऊपर xdx बैठा ही है, xdx की वैल्यू क्या होगी, dt/2। तो आप xdx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt/2, 3 तो ऊपर पड़ा ही है, 3/2, नीचे क्या बन गया, 1+2t² लो जी, काम तो तैयार हो गया, बस x² की जगह t² में आ गया। अब क्या करें, t² का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, 1 होने के लिए फिर 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन आया तो बाहर 4 हो गया, तो ये तो हो गया 1/2+t². अब ये देखो 1/2 किसका स्केयर है, 1/2 तो किसी का स्केयर नहीं है, ठीक है, तो फिर 1/2 को फिर किसी का स्केयर चेक करने के लिए हम लोग कभी भी अंडर रूट, कभी भी किसी को किसी का स्केयर चेक करना हो, ना बन रहा हो तो उसको अंडर रूट का स्केयर लगा दो बस, तो ये 1/√2 का स्केयर। फॉर्मूला फिर वो ये a² + x² वाला, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला तैयार है, ठीक है। ये था ऐसे सम होने हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा है x 4x² - 9 है, सबसे पहले x² का कोफिशियंट, पहले तो x² ढूंढो, x² तो बैठा ही नहीं, नीचे तो 4x⁴ बैठा है, वही x² का स्केयर, ठीक है, सेम तो बन गया कि नहीं बन गया, वैसा ही x² को t और वही x² का डेरिवेटिव तैयार बैठा है। तो बस ये देखो भी ये किसका स्केयर है, जैसे थर्ड पार्ट है फोर्थ के, थर्ड पार्ट में ये फोर्थ का फर्स्ट था, ऊपर अपने पास x² है, नीचे अपने पास x⁶ है +4 है। अब हर चीज़ को आपने नीचे स्केयर बनाना ही बनाना है, तो फिर आप इसको x⁶ को क्या लिखने वाले हो, x³ का स्केयर लिखना पड़ेगा, 4 बाद में करेंगे 4 का काम, क्योंकि क्योंकि हमने स्केयर बाहर निकालना है, मान लो इधर x⁻¹² भी होती ना, तो आप 6⁻² लिख देते, बाहर 2 ही लिखना है, ताकि आप x³ को टी पुट करें तो उसका डेरिवेटिव तैयार मिले आपको, ठीक है। x³ का डेरिवेटिव 3x² dx और dt, 3 फालतू है, 3 नीचे चला जाएगा, तो ऊपर x² dx की वैल्यू डाल दीजिएगी और फॉर्मूला तैयार है, ठीक है ना। फोर्थ फिफ्थ जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड आ गए, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ऊपर साइन एक्स है, नीचे अंडर रूट ऑफ 4cos² ऑफकोर्स स्टेटमेंट या तो x में हो या t में हो, साइन कॉस वगैरह में काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब कॉस को हटाना पड़ेगा, कॉस को हटाने के लिए कॉस को टी पुट किया, कॉस का डेरिवेटिव -sin x dx और dt, ये बैठा ही है sin x dx, उसकी वैल्यू क्या डाल दी हमने, sin x dx की वैल्यू माइनस का dt डाल दी, तो माइनस यहाँ लगा दिया, dt यहाँ लगा दिया, सम क्या बन गया,
ये देखो, 4t² - 1, 4t² - 1, तो फॉर्मूला बनने को तैयार है, बस टी स्क्र का कोफिशेंट 1 होना चाहिए। सभी क्वेश्चन में लगो एक जैसी बात है। थर्ड पार्ट है, जैसे ये 2 पावर x है, 1 - 4 पावर x है। क्या 4 पावर x को x से लिख सकते हैं आप? 2 की पावर 2 की x, तो 2 की पावर 2 की x को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की x की पावर 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होनी है, यानी कि 2 और x मल्टीप्लाई हो गए, 2x बनेंगे। तो चाहे x बाहर रखो, 2 अंदर रखो, चाहे 2 बाहर रखो, x अंदर रखो, एक ही बात है। हमने ऐसा इसलिए क्या किया, क्योंकि हम 2 पावर x को t पुट करने वाले हैं, और उसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में ऊपर दिखाई दे रहा है। ये रहा 2 पावर x का डेरिवेटिव, 2 पावर x होता है, 2 पावर x का डेरिवेटिव 2 पावर x, x का 1 log 2 dx dt। तो 2 पावर x और dx तो बैठा ही है, उसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग टू फालतू है, लॉग टू कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 2 पावर x dx dt / log 2, तो हम लोग उस सर्कल की जगह क्या लिखने वाले हैं, dt / log 2, और नीचे 1 - t², और ये फॉर्मूला है हमारा sin inverse t + c। t की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, अब प्रैक्टिस करो। सिक्स सम में एक और देखो, ऊपर कोसिकेंट स्क्वायर है, नीचे 1 - cot² है। ऑफकोर्स कॉट को टी पुट करेंगे तो कॉट का डायरेवेटिव तैयार ही बैठा है। कॉट को टी पुट करेंगे तो कॉट का डायरेवेटिव क्या होता है, -cosec² dt। माइनस एक्स्ट्रा है, माइनस कहाँ चला जाएगा, उधर की साइड, -dt। सम क्या बन गया, cosec² x dx की वैल्यू क्या डाल देंगे अपन, -dt, नीचे 1 - t². फॉर्मूला तैयार है a² - x² का। याद रखना हमेशा, कभी भी sin² + cos² या cos² + sin² जैसी सिचुएशन डिनोमिनेटर में आ जाए, चाहे उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस बैठा हो, सॉरी प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई बैठा हो, उनके कोफिशिएंट चाहे 1, 2 हो, 3, 4 हो, कुछ भी हो, आप उसमें हमेशा cos² कॉमन ले लिया करो। जरूरी नहीं cos² sin² भी कॉमन ले सकते हो। cos² कॉमन लोगे तो 1 बन जाएगा, वहाँ cos² है नहीं, तो sin² / cos² टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा। फायदा क्या हुआ cos² कॉमन लेने का, cos² ऊपर जाके क्या बन गया, cos² ऊपर जाके sec² बन गया। नीचे tan बैठा है, ऊपर sec² बैठा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि tan को t पुट कर लिया जाए तो डेरिवेटिव तैयार पड़ा है, sec² x dx dt। वापस sec² dx की जगह क्या लिख सकते हैं, ऊपर dt, नीचे 1 + 2t². फॉर्मूला बन रहा है, बस x² या t² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, 9.5 में भी 9.4 जैसे ही सम में, बस काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। क्या काम एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर x² के साथ x भी आने लग गया, उसमें तो नहीं था। जब x² के साथ x भी आ जाए तो हमने इसको फिर क्या करना है, इसके ऊपर क्या ट्रिक लगानी होती है, उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने के लिए x² का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, तो x² का कोफिशिएंट 1 तो पढ़ा ही है। ठीक है, अगर ना पढ़ा हो तो पहले बनाओ। x² का कोफिशिएंट फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलवेज 1 एंड पॉजिटिव, 1 और पॉजिटिव दोनों हो तभी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना स्टार्ट करा करो। x² का कोफिशिएंट 1 भी बैठा है, पॉजिटिव भी बैठा है, तो फर्स्ट 2 ऐसे के ऐसे लिख के, पहले 2 ऐसे के ऐसे लिख के, फिर x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका आपने हाफ का स्क्वायर प्लस करना है, और वही आपने माइनस करना है, और प्लस का 7 बैठा ही है। तो ये तो बच गया, मतलब सॉल्व करके सीधा लिखा करो, ये तो मैं तो पहली बार आपको बता रहा हूँ इसलिए लिख के दे रहा हूँ, आप सीधा ही बताओ। 4 का हाफ तो 2 ही होना है, 2 का स्क्वायर प्लस करो, 2 का स्क्वायर माइनस करो, +7, यानी इस स्टेप को काट दो, ये सीधा लिख दिया करो। फिर dx, ये फर्स्ट 3 से आपका फॉर्मूला ही बन गया, कौन सा, a² + b² + 2ab। बीच में प्लस हो तो x + 2 का होल स्क्वायर लिख दो, ये रहा a² ये रहा b², इसलिए तो पहले हमेशा प्लस लिखना चाहिए। ये -4 + 7 कितना बन गया फिर, ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, 7 - 4 तो प्लस का 3 होगा, और 3 किसका स्क्वायर होता है, तो √3, तो √3 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका सारा का सारा x है, वो सारा का सारा a है,
यानी ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो यूज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। तो 1 बाई ए तो यहाँ पे √3 है, टेन इनवर्स एक्स एक्स यहाँ पे ये सारा का सारा एक्स प्लस टू है, बाई में ए √3, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे करने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले सम, जब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वगैरह आ जाए तो आपने पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 होना चाहिए या कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, यानी होना ही 1 चाहिए। फिर उसके साथ एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव भी होना चाहिए। फिर पहले दो ऐसे कैसे लिख के एक्स के साथ जो कोफिशियंट होता है चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमको उससे लेना देना नहीं है। एक्स के साथ जो कोफिशियंट 4 या 2 या 3 है जो भी है उसका हाफ चाहे कटे चाहे ना कटे, ये तो कट गया था 4 बाई 2 आ गया था, ना कटता 3 बाई 2 पड़ा रहने देते। हाफ का स्क्वायर प्लस किया वही हमने माइनस किया +7 पड़ा ही है। अब फर्स्ट 3 से तो फॉर्मूला बनता ही बनता है, और ये -4 +7 रिजल्ट हो गया प्लस का 3। 3 को √3 का स्क्वायर लिख दिया, फॉर्मूला तैयार है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। वो फॉर्मूला अप्लाई करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले सारे सम हो जाने हैं आपके, ठीक है। अगर कोई साइन कॉस वगैरह आ जाए तो फिर उनको हटा लो, बस वो तो हमने प्रैक्टिस कर ही ली है। बस ये अभी आपको कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड इस एक्सरसाइज में आना जरूरी है। पर अगर आपके पास नीचे वाले का डेरिवेटिव भी ऊपर ना पड़ा हो वो भी बताऊंगा अभी। जैसे ये तो सेकंड सम में तो लगभग सारे पार्ट में नीचे वालों के डेरिवेटिव ऊपर पड़े हैं, यानी नीचे वालों के मतलब साइन एक्स को टी पुट करें तो डेरिवेटिव तैयार पड़ा ही है, कॉस एक्स डी एक्स और डी टी सब बन जाएगा। ऊपर तो डी टी, नीचे टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व कर लो बस, ठीक है ना। वो बनाना सीख लिया हमने। नेक्स्ट सम देखो, थर्ड सम में क्या करें, थर्ड सम अब अलग हो गया। थर्ड सम में ऐसे सम आगे भी नीचे एक्स स्क्वायर वगैरह वाली चीज तो पड़ी है, एक्स भी बैठे हैं। अगर आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हो तो ऊपर डेरिवेटिव भी बैठा है, पर अगर आप एक्स स्क्वायर को ही अकेला टी पुट करोगे तो डेरिवेटिव तो मिल जाएगा, फिर इस एक्स का क्या करोगे बेचारे का, इस वन का क्या करोगे। इसलिए जब भी आपके पास नीचे इस टाइप के सम, टाइप ऑफ दिस, जब ऊपर ए एक्स प्लस बी, नीचे सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यानी नीचे भी एक क्वाड्रेटिक और ऊपर भी एक्स वाली चीज हो, ठीक है। तो हमने नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना ही है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव हमने ऊपर बनाना होता है इस कंसेप्ट में, ये करना होता है। तो एग्जांपल में किसी और तरीके से बताया हुआ है भाई, वो नीचे वाला इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला पोर्शन प्लस बी, ऐसे ऊपर वाला इज इक्वल टू, पर हम लोग सीधा भी कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव अपने माइंड में सोचा करो, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x+1, वही हमने ऊपर बनाना है। कैसे बनाओगे, ऊपर x तो बैठा ही है, बस 2x लाना है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2x बन गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, 2x के साथ तो प्लस 1 भी होना चाहिए, तो अगले स्टेप में हमने वो भी बना दिया, 2x के साथ 1 प्लस किया और 1 ही माइनस कर दिया, ठीक है। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जो डेरिवेटिव बनाया उसके नीचे अलग कर देते आप, जो हमने डेरिवेटिव तैयार किया ये स्टेटमेंट थी एक्स वाई में दिस। पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव सोचा 2x+1, तो हमने नीचे जैसी चीज ऊपर, जब नीचे एक्स स्क्वायर वाली और ऊपर एक्स वाली चीज हो तब उस टाइप का सम बनाना होता है। अभी हम उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, तो हमने इसका डेरिवेटिव सोच लिया 2x+1 बनाना है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर 1 प्लस किया और 1 ही माइनस कर दिया, क्योंकि 2x के साथ 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस किया 1 माइनस कर दिया। अब जो डेरिवेटिव बन चुका है उसके नीचे तो अलग कर लो, 1 के नीचे अलग कर दो, यानी ये बन गया 1 बाई 2। 2x+1 के नीचे हमने जो डेरिवेटिव बना लिया था उसके नीचे नीचे वाली स्टेटमेंट अलग कर दी और 1 के नीचे अलग कर दी। लो जी, अब आपका समझाना बचाना। कैसे, इस वाले में तो नीचे वाले को टी पुट करो, डेरिवेटिव तैयार हमने स्पेशल तैयार किया है, और ये वाला तो कंप्लीट स्क्वायर। इस वाले में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी, डेरिवेटिव 2x+1 dx dt। तो हम सम क्या लिखने वाले हैं, 1 बाई 2, इस ऊपर वाले को dt, नीचे वाले को t, ये रेखा ऊपर वाले को dt, नीचे वाले को t, और इसको इसको तो कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करना है, ठीक है। इधर 1/t का इंटीग्रेशन तो log t हो गया, t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू कौन सी है, ये रही 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका काम तो ओवर हो गया t की वैल्यू डाल के, पर इस वाले का काम कैसे ओवर होगा,
तो आपने ये 1/2 भी बाहर बैठा था, 1/2 दोनों के साथ लगाना रह गया, 1/2 इसके साथ भी लगा दो, यानी इंटीग्रेशन का निशान भी दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, इसके नीचे अलग, 1/2 भी इसके साथ भी और उसके साथ भी, ये वाला कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व होगा, साथ में -1/2 चलता रहेगा कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है कर लेना अपने आप कंप्लीट स्क्वायर से। कैसे, एक्स के साथ जो कोफिशियंट है, एक्स के साथ कोफिशियंट 1 है, उसका हाफ 1/2 का स्क्वायर प्लस करो, वही माइनस करो। तो ये हमारे इस टाइप के कंसेप्ट में नीचे वाले का डेरिवेटिव हमने ऊपर बनाना होता है, बाय हुक और क्रूक कैसे मर्जी करके बनाओ, चाहे जो चाहे कुछ कॉमन ही क्यों ना लेना पड़ जाए, ठीक है। फिर आ गया इस टाइप के सम की, जब जब ऊपर एक्स स्क्वेयर वाली चीज भी आ गई, नीचे भी एक्स स्क्वेयर, यानी ऊपर नीचे सेम पावर आ गई, या ऊपर ज्यादा पावर आ जाए नीचे से कम से, तो हम लोगों ने ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज से समझ रहे हैं, जब ऊपर नीचे सेम पावर आ जाए या ऊपर ज्यादा पावर आ जाए तो पहले क्या करना चाहिए, पहले डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड कर लेते हैं, सबसे पहले 1 से एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 12, दिस वन माइनस 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 कैंसल, -6x -12, डिवाइड करके मिला अपने को सबसे पहले जो आंसर वो लिखा, फिर जो कोफिशियंट था जो रिमाइंडर था वो लिखा, माइनस का साइन कॉमन ले लिया उनसे, 6x प्लस 12, फिर जिससे डिवाइड किया था वो लिख दिया। लो जी अब दोनों का इंटीग्रेशन करने के लिए सम तैयार है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और ये वाला सेम ऊपर वाले सम कितना बन गया, जब नीचे एक्स स्क्वायर वाली और ऊपर एक्स वाली चीज हो तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना होता है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले 6 कॉमन ले लो, अंदर एक्स प्लस 2 रह गया, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव सोचो और वो ऊपर बनाना शुरू कर दो, ठीक है। यही हमारी 9.6 एक्सरसाइज में सब में सेम टू सेम, इसके प्रैक्टिस 9.6 के साथ कर लेना, क्योंकि यही सम आपको अंडर रूट उनके साथ मिलेगा, ठीक है। 9.6 भी बीच में इंक्लूड ही है, 9.6 का एक आधा सम बता देता हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर, ताकि 9.6 भी कंप्लीट हो जाएगी। बस लगातार ये सभी एक्सरसाइज आपकी एक जैसी एक ही फॉर्मूले पे बेस पे चलती हैं, जब नीचे एक्स स्क्वेयर वगैरह वाली इक्वेशन आ जाए, ठीक है, पर अगर एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स है तो ऑफ कोर्स फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, 9.6 है। लो जी स्टेटमेंट है, जैसे 1/, थोड़ा सबसे टफ सम ही उठा लेते हैं, -2x² + 3x + 4, यानी एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट ना तो 1 है और ना ही पॉजिटिव है, तो 1 बनाने के लिए 2 तो बाहर निकाल दिया, 2 तो बाहर निकल के 1/√2 हो गया, अंदर बच गया -x² + 3/2x + 4/2 2। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे को एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 के साथ पॉजिटिव भी चाहिए था, पॉजिटिव के लिए हम माइनस कॉमन नहीं ले सकते बाहर, माइनस बाहर निकलेगा तो आइटा बन जाएगा, माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो माइनस कहाँ जाएगा, माइनस अंदर ही कॉमन लेके रख लो। अब कंप्लीट स्क्वायर वाला काम कर लो, कंप्लीट स्क्वायर वाला काम क्या है, फर्स्ट 2 ऐसे के ऐसे, फिर एक्स के साथ जो कोफिशियंट है उसका हाफ का स्क्वायर हमने प्लस किया, वही हमने माइनस किया, और लास्ट में -2 तो बैठा ही था। फिर दोबारा देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ जो 3/2 है उसका हाफ का स्क्वायर हमने प्लस किया, वही हमने माइनस किया। अब ये बन गया माइनस, अभी भी बाहर बैठा है, फर्स्ट 3 से फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, माइनस क्यों लगाया बीच में, क्योंकि यहाँ माइनस था, और ये -9/16 - 2, इनको अलग सोल्व कर लो, -9/16 और -2, जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, सोचो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रिजल्ट हमारा, -9/16 और -2 सोल्व करके 32, 41/16। अब अपना माइनस का काम करने का टाइम आ गया, ये जो माइनस बाहर लेके बैठे हैं ना हम लोग, इस माइनस को खत्म करो, कहाँ खत्म करें हम, इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या, कॉमन तो ले ही रखा है, माइनस को अंदर भेज देते हैं, जब माइनस अंदर जाएगा तो 41/16 पहले हो जाएगा और ये स्क्वायर वाली चीज बाद में हो जाएगी। लो जी 41/16 किसका स्क्वायर होता है, 41/16, 41 को √41 और 16 को 4 का होल स्क्वायर, -x - 3/4 का होल स्क्वायर, यानी a² - x² वाला फॉर्मूला तैयार है, a² - x² वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला था हमारा साइन इनवर्स x/a, एक्स ये सारा और ये सारा बस, यानी कि 9.6 के सम भी आपके 9.5 जैसे ही हैं।
तो जैसे ही 9.6 में हम नीचे एक्स स्क्वायर वाली चीज़ के साथ ऊपर एक्स वाली चीज़ दिखाई दे रही थी 9.5 में, तो हम नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाते थे, वही काम आपको 9.6 में भी मिलेगा। तो 9.6 भी 9.5 जैसी है, बस अंडर रूट वाले सम आ गए हैं, इसलिए 9.6 को भी साथ साथ रिवीजन में डाल लो, कर लो इसको भी, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो।